आज की मांग 342। असफलताओं से निराश न होइए, असफलताओं से निराश न होइए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल सकता है। चाबियों का जो जुड़ा होता है ना, वो गुच्छे की जो लास्ट वन चाबी की होती है ना, उससे भी हम ताला खोल सकते हैं। एक बार एक बहू जी को सास ने कहा कि बेटा ले जाओ ये चाबियों का गुच्छा और हमारा मेन डोर खोल कर रखो, मैं इतना सामान लेके आती हूँ। जब तक सास सब कुछ लेकर के आ पहुंची, मेन डोर का ताला खुला नहीं था और बहू जी बड़ी निराशा की गर्त में डिप्रेस्ड होकर के कुछ ऐसी दिख रही थी, वेरी सैड। सास ने पूछा कि वो बेटा क्या हुआ? करे बा, अरे माँ, ये ताला तो कैसा है, खुलता ही नहीं, मैं तो थक गई। कहा कि वो बेटा चाबी तो सब कुछ है, क्यों नहीं खोल रहा है? अरे माँ, एक चाबी लगाई, दो लगाई, चार लगाई, छह लगाई, आठ नहीं, ए अम्मा नौ चाबी लगा दी, लेकिन अब तक खुल नहीं रहा है। सास ने इतना ही कहा, बेटा दसवीं का भी ट्राई ले लीजिए ना, उससे भी तो खुल सकता है। और जब लास्ट वन दसवीं चाबी ली और लॉक में डाली और प्रॉपर रूप से उसको ऐसे घुमाई और ताला खुल गया, भाई खुल गया। तो क्या ऐसा भी नहीं हो सकता है? हमने डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए, इनफ कमाई करने के लिए, भगवान का सच्चा भक्त बनने के लिए, प्रभु और प्रभु के प्यारे को प्रसन्न करने के लिए एक ट्राई ली, दो ली, हमने एक बार प्रयास किया, पांच बार प्रयास किया, मान लीजिए अब तक हम वो काम कर नहीं पाए, तो क्या आगे नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता कि पांच बार न हुआ, लेकिन यदि छठवीं बार हम करें तो वो काम हो सकता है? एक बार हमने व्यसन छोड़ने के लिए प्रयास किया, हम व्यसन नहीं छोड़ पाए, हम बीड़ी सिगरेट दारू नहीं छोड़ पाए, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब कभी नहीं छोड़ पाएंगे? अवश्य छोड़ पाएंगे। ट्राई चालू रखिए, एक बार, पांच बार या तो दस बार असफलता मिली, उसका मतलब ये नहीं कि हम वो काम अब कभी नहीं कर पाएंगे, कभी ना कभी कर पाएंगे, लेकिन निराश मत होइए, ट्राई चालू चालू और चालू ही रखिए, हो सकता है गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाए। ऐसे भगवान को पाने के लिए, जीवन दिव्य भव्य मुक्त बनाने के लिए, या तो इस लोक का कोई भी काम हासिल करने के लिए, निराश न होकर के हमको प्रयासरत रहना चाहिए, अवश्य श्रद्धा उत्साह जुस्सा के साथ परिश्रम करते रहना चाहिए, अपनी गलतियां सुधारने रहना चाहिए। एक दिन सफलता मिलेगी, मिलेगी और अवश्य मिल जाएगी। जय स्वामीनारायण।